हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज जब मैं सुबह उठी ना, उसने उठने के बाद तो मुझे ठीक लगी मेरी तबीयत। उसके बाद फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद मैं अपनी वही रूटीन, अपना गर्म पानी पीने बैठी। उसके बाद पता नहीं मुझे इतनी खतरनाक वाली वॉमिट आई, मुझे ऐसा लगा मेरी पूरी आंतरियाँ खींच हो चुकी, इतनी खतरनाक वाली वॉमिट है। उसके बाद फिर मैंने एक घंटा रेस्ट लिया, फिर मैंने बोला रेस्ट करके तो नहीं चलेगा कि पीटर हिटलर को खाना देना। तो फिर मम्मी बोलती ठीक है थोड़ा रेस्ट कर ले, मैंने बोला नहीं मम्मी थोड़ा सा कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया, अब जाके थोड़ी तबीयत अच्छी लग रही है, पर पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई ना, वो कल मैंने जो होटल से चना और पूरी मंगाई थी ना उसके साथ हो गई, क्योंकि कल मैंने और तो कुछ बाहर का खाया नहीं, सिर्फ वही खाया था। मुझे लगता है उससे ही थोड़ी, मम्मी बोलती वाई टाइप तुझे हो चुका है। मैं वैसे बहुत कम खाती हूँ बाहर का, लेकिन कल मेरी इच्छा बहुत कर गई थी, इसके लिए मुझे मंगाना सही लगा, क्योंकि बहुत इच्छा कर रही थी मेरी चना पूरी खाने की, और भैया ने मंगवा दिया, मैंने फटाफट से खा भी लिया। बट इतना भारी पड़ जाएगा मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं ना अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ, लंच में बना रही हूँ, दाल को तड़का दे रही हूँ। और मैं हमेशा, मुझे तड़का लगाने के लिए गेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि जो भी चिमनी का पाइप है ना उसके डायरेक्शन बाहर है ना, तो पूरा धुआं बाहर चला जाता है। अगर मैं गेट खुला रखती हूँ धुआं वापस से अंदर आ जाता है, और आप खुद ना धुआं देख सकते हैं, इतना सारा धुआं अंदर आएगा तो पूरा फर्नीचर पर लग जाएगा, फिर कौन साफ करे। चिमनी इसके लिए तो लगवाइए कि फर्नीचर पे ना चिपके। तो भाई मैंने बोला थोड़ा अच्छी तरह बनकर थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं, सुबह से बीमारी में थे और मम्मी आप भी बाहर गए थे ना, मैंने बोला था मम्मी थोड़ा बाहर गए, मम्मी गई थी मेरे लिए एप्पल लेने, क्योंकि वैसे हम इतना महंगा फ्रूट नहीं खाते हैं, वो कुछ मेरे तबीयत खराब थी ना, इसके लिए मम्मी लेकर आई। मम्मी कितनी अच्छी है, मम्मी मेरे लिए स्पेशल लेने गई दो एप्पल, अपने जैसे जो मिडिल क्लास लोग मम्मी कहते खा ले, मम्मी बोलती खा ले थोड़ी जान पड़ेगी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप भी दो पीस ले लो, एक ले लो बोले पर ले लो। मम्मी आपको खिला रही है महंगा फ्रूट है, अपने लिए तो भी एप्पल बहुत महंगा है, ऑरेंज वगैरह मैं ले आती है मम्मी, बट एप्पल तभी जब भी कोई बीमार हो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए फ्रेश ब्लॉग में। वैसे तो ब्लॉग की शुरुआत इस लड़की ने कर दी है, और मॉर्निंग से इस लड़की की तबीयत खराब है, इसको बहुत वॉमिटिंग आई है, बताया तूने ब्लॉग में, बट इसको देख के लग नहीं रहा है कि ये बीमार है, बट हो सकता है कि ये छुपा रही हो, पर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो इसके। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, अभी मैं बैठूंगी, शायद चाय वगैरह पीऊंगी। मम्मी भैया गए थोड़ा सा बाहर, पहले बाल बना लूँ, फिर संध्या के टाइम पे ना मैं कभी बाल नहीं बनाती, कब से मैंने छोड़ दिया, हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया है। क्यों बनाएगी क्या चाय? नहीं, अब पीऊँ बाद में, क्योंकि डायरेक्ट चाय पीऊंगी ना तो फिर पूरा दिन ना ऐसे जलता रहेगा, एसिडिटी होती रहेगी। तो रोटी लगा रही है, लगा ले मेरे लिए दो, शाम को मम्मी के साथ चाय पीऊंगी। ने चाय पीने के प्लान को किया कैंसल, और सबने एक एक फुल्का खा लिया, मैंने दो खाए, मम्मी ने भी एक खाया, और इस लड़की ने भी खाया, क्योंकि अभी ये चाय पी लेती ना तो इसको एसिडिटी हो जाती वापस, अभी चाय पी के सो जाएगी। और बाकी पता नहीं ये लोग बाहर जाने का बोल रहे हैं कि हमें सब्जी लेने जाना है, तो देखो बैठती है कि बाहर जाती है, क्या करेगी, आराम करेगी बाहर जाएगी, जो देखो सही लगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे को थोड़ा ना जाना है। जो है रात के 11, और चाय पीने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्यों चाय पीने की इतनी ज्यादा जरूरत थी वो मैं आपको चाय पीने के बाद ही बताऊंगी। मम्मी ने भी यहाँ पे चाय पी ली है, और ये रही मेरी चाय, बिस्किट सब कुछ आ चुका है, क्योंकि आज चाय ना पीती ना मेरा दिमाग फट जाता है, इतना सिर बहुत दुख रहा है फिलहाल। तो अभी दीदी की चाय बाकी थी, ये भी चाय लेके बैठ गई, और आज चाय पीनी क्यों इसलिए भी जरूरी थी मैं आपको बताऊं। तो क्या हुआ, जैसे कि जो हमारी डेली रूटीन में होता है मैं वो बताऊंगी आपको। आज भी हिटलर को खींच आई थी, और आज भी थोड़ी खतरनाक वाली आई थी, तो डॉक्टर ने इसको एनेस्थीसिया दिया है, उसके बाद से ना ये बैठ नहीं रहा है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, लाते वगैरह कांप रही है, अभी तो काफी शांत हुआ है इसको। आज कितने बजे आई थी, शायद 7:30 बजे तक आई थी, तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे करना, और एक इसकी गोली भी ऐड की है कि वो देना, बट आज नहीं देनी है, कल देनी है, फिलहाल तो ठीक है। सो आई होप कि वो गोली खाने के बाद इसको ठीक हो जाए, फिलहाल तो ये देख रहा है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। दीदी 2 मिनट पकड़, मैं ब्लॉग बना लो आराम से। बहुत बेचारे का मुश्किल होता है कि जब खींच आती है ना पूरी इसकी बॉडी एकदम ऐसे अकड़ जाती है, अपने बोलते नहीं है, पर उसके साथ तो फील होता है, बेचारा रोता भी है। दीदी धन्य है जो इसको लेके जाते हैं। मैंने सारा घर का काम किया, मैंने माता जी के वस्त्र वगैरह, मैंने जब आपको लास्ट ब्लॉग बना के बताया कि हाँ हम लोग दीदी खाना खा रही है, इसने बोला मैं खाना खा के सो जाऊंगी क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है, बट कहते हैं ना जो भगवान को मंजूर है वही होता है, तो इसको ठीक शुक्र है। आज इनका पता है प्लान भी था कि बाहर जाना है सब्जियां लेने, बट ये गए नहीं, क्योंकि जो ऑटो वाले भैया ना उन्होंने बोला मैं 7 बजे तक आऊंगा, और दीदी ने बोला इतनी लेट में जाऊंगी मैं,
तो कहीं ना कहीं कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छा ये घर पे थी, उसको फटाफट जैसे खींचा ही ले गए। अभी तो काफी शांत है, बट ऐसे बच्चे की जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप समझ सकते हो कि हर रोज नहीं आनी चाहिए, हफ्ते में एक बार आ जाए, दो दिन मतलब दो हफ्ते में एक बार आ जाए, पर ये डेली वाली खींच अच्छी नहीं है। सो कल देखेंगे दवाई और देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। चाय पीने के जरूरत थोड़ा सिर मेरा घूम रहा था, क्योंकि सुबह वॉमिट आई, सब कुछ हुआ, उसकी खुद की तबीयत नहीं ठीक थी। बट ये होता है, जो हमारी मम्मी है उनको तो हम ऐसे बोल देते कि यार क्या अभी तुम लोग बीमार हो, रेस्ट करो ना, हमारा क्यों देख रहे हो। हमें खुद पता चल रहा है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो मियाँ कैसे लेके भागती हैं कि नहीं यार अपना भूल जाती हैं, पर देखते हैं बच्चे हमारे ठीक होने चाहिए, तो मम्मियों के लिए एक सल्यूट तो बनता है। सो अपनी मम्मियों को प्यार करें, हम भी अपनी मम्मी को प्यार करेंगे। मैंने डिनर वगैरह खा लिया है, और आज मैंने डिनर में बनाई थी सोयाबीन की सब्जी, मुझे सोयाबीन पसंद नहीं है, तो मेरे पास दाल पड़ी थी, मैंने दाल के साथ खा लिया। अभी मैं जा रही हूँ सोने, आज का ब्लॉग सच में बहुत ज्यादा बोरिंग था, कंटाले वाला था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से हिटलर की तबीयत भी नहीं ठीक थी, और ये लड़की एकदम सिर पकड़ कर बैठ गई है। मैं व्लॉगिंग जब भी मैं व्लॉगिंग करने बैठती है सिर पकड़ के बैठ जाती है, समझ नहीं आता फिर क्या बोलूं मुझे कुत्ते तुम्हारे दिमाग को क्या ही बोल रहे हैं। अभी तो ठीक है, घूम के आया पूरा, सुबह सिर्फ थोड़ी वीकनेस है, फिर बाकी सुबह वो गोली खाकर जो डॉक्टर ने लिख कर बोला फिर एकदम से ठीक हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।